आज हम लोग एनसीईआरटी पेज नंबर 126 का प्री एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। आप लोगों को पता है कि अगर एक्शन है तो हमें पता है एक्शन हमेशा रिएक्शन के बराबर होता है। तो हॉर्स और कार्ट जो है उसमें भी यही कंडीशन लगेगी, एक्शन रिएक्शन के बराबर। तो जब हॉर्स एक्शन करेगा तो रिएक्शन भी उस पर उतना ही होगा। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा हॉर्स कार्ट को मूव करा पाता है, तो वो कैसे करा पाता है उसको आज हम समझेंगे। तो देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये एरो बने हुए हैं, ये शो कर रहे हैं डिफरेंट फोर्सेस। तो जब हॉर्स और कार्ट रुके हुए हैं, मोशन में नहीं है, तब इन पर क्या क्या फोर्स लग रही है ये डायरेक्शंस वो शो कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए हॉर्स लगाता है एक्शन यानी फोर्स ऑन कार्ट। ठीक है, इसका रिएक्शन होता है तो दिस इज कार्ट जो फोर्स लगाती है हॉर्स पर। उसके बाद भाई जब ये रेस्ट की पोजीशन पे होते हैं तब एक और फोर्स लग रही होती है, ये है ग्रेविटी की फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है जी, यहाँ पर ग्रेविटी है। अब ये ग्रेविटी लग रही है तो ऊपर नॉर्मल लगेगी। ठीक है बेटा, और एक और लगती है वो है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर जो लग रही है वो आपकी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको समझ में आ गया हो यहाँ पर फाइव एरोज हैं, फाइव एरो में कौन कौन सी कहाँ कहाँ फोर्स लग रही है। अब देखिए ज़रा, ये जो नॉर्मल है ग्रेविटी है ये एक जैसी होगी तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो इसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी एक्शन इसने किया हॉर्स ने और रिएक्शन, ये भी ऑलमोस्ट एक दूसरे के इफेक्ट को हटा देंगी। तो फिर हॉर्स हमारा कैसे पुल कर रहा है इसको हम समझते हैं। देखिए हमारा हॉर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स दिख रही है, जो बैक भाई मोशन हमारे हॉर्स को क्या करना है, सामने की तरफ, फ्रिक्शन ऑब्वियसली तो पीछे ही लगेगी है ना। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे की तरफ लगेगी, हमारे हॉर्स को इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाकर हमारा हॉर्स कार्ट को आगे मूव करा पाएगा। तो यहाँ पर वो यही करता है, ये जो आपको फ्रिक्शन फोर्स दी हुई है इससे ज़्यादा फोर्स लगानी है उसको। ठीक है, फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स आपको लगानी है, जो फोर्स लगानी है। अब ये क्या करता है देखिए, आगे की तरफ फोर्स नहीं लगाता है, ये क्या करता है पीछे की तरफ ही ग्राउंड पर फोर्स लगाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में झुककर। आपने देखा होगा जब भी हॉर्स को मूव करना होता है तो हल्का सा झुकता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन जैसे हम लोग जब चलते हैं तो ग्राउंड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ऐसे हॉर्स क्या करता है आपका ग्राउंड पर फोर्स लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया आपका एक्शन एक्चुअली। ठीक है, ये जो एक्शन है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इससे ज्यादा लगाता है। तभी ये मूव कर पाएगा, नहीं तो ये मूव नहीं कर पाएगा। अब जब ये एक्शन हुआ तो ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा है रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, बिल्कुल इसके सामने यानी कि ग्राउंड जो है फिर हॉर्स पर फोर्स लगाता है और इसको आगे की तो मूव कर देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया रिएक्शन। और इस रिएक्शन की वजह से, क्योंकि ये एक्शन के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ जो एक्शन लिखा है मैंने, यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख सकती हूँ, है ना। तो देखिए हमारे फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा अगर रिएक्शन होगा तो हॉर्स हमारा कार्ट को आगे की तरफ पुल कर पाएगा, और इस तरीके से हॉर्स हमारा जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाता है कार्ट को लेते हुए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा हॉर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स के अपोज वर्क कर पाता है और कार्ट को आगे मूव करता है।